पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव जी राज्य सम्मेलन में पहुंचे, सर आज राज्य सम्मेलन हुआ है, किस तरीके से देख रहे हैं पार्टी? बहुत शानदार सम्मेलन हुआ। आदरणीय नरेश उत्तम जी को एक बार फिर अगले 5 सालों के लिए पार्टी के सभी सम्मानित प्रतिनिधियों ने चुनने का फैसला लिया है, और मैं समझता हूँ कल जहाँ हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्वाचन की चुनाव की प्रक्रिया एक बार फिर पूरे सम्मेलन के प्रतिनिधि मिलकर पूरा करेंगे, वहीं ये राष्ट्रीय और प्रांतीय सम्मेलन से पूरे देश के समाजवादियों को एक नई ऊर्जा मिलने जा रही है, और आने वाले 24 का जो संघर्ष होगा उस संघर्ष के लिए समाजवादी साथी और मजबूती के साथ तैयारी से निकलेंगे कल के सम्मेलन के बाद। जिस तरीके से आज जो प्रस्ताव पास हुए हैं उन प्रस्तावों का कितना असर देख रहे हैं? बिल्कुल असर, क्योंकि ये प्रस्ताव उत्तर प्रदेश की आम जनमानस से जुड़ी हुई हर समस्याओं का निराकरण, समाधान और जो लोगों की समस्याएं हैं उसका एक, मैं समझता हूँ, बहुत ऐतिहासिक दस्तावेज के तौर पे आज हमारा राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव पारित हुआ है, और कल राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में भी जो देश के सामने चुनौतियां और संकट हैं और उस पर जो समाजवादी दृष्टि है उस पर फिर से एक प्रस्ताव राष्ट्रीय सम्मेलन में भी पारित होगा, और इन प्रस्तावों के संकल्पों के साथ समाजवादी लोग बहुत मजबूती के साथ निकलने वाले हैं। 24 को लेकर के जिस तरीके से आज राष्ट्रीय अखिलेश यादव ने नारा दिया कि लोहियावादी और अम्बेडकरवादी अब एक होंगे, उसका असर कितना? बिल्कुल मिली जुली विचारधारा है, उद्देश्य रास्ते और धाराएं जरूर अलग थी, उद्देश्य सबका एक था, लोहिया जी का भी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का भी, गांधी जी का भी, कि समाज के दबे कुचले पीड़ित लोगों को न्याय मिले, गरीबों को न्याय मिले, किसानों को न्याय मिले, हक मिले, और उस लड़ाई को अगर कोई लड़ सकता है तो समाजवादी लोग ही माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि उत्तर प्रदेश का जनमानस समाजवादियों को इतनी ऐतिहासिक ताकत देगा कि उत्तर प्रदेश में बिना समाजवादियों के दिल्ली की सरकार अब बनने वाली नहीं है। जिस पार्टी से आपकी मुख्य लड़ाई है और मुख्य विपक्षी दल यूपी में है, उनसे आपने देखा चाहे विधानसभा हो या उप चुनाव लोकसभा के, कैसे लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे और बहुत मजबूती से लड़ेंगे। ये जो बेईमानी से भी जीते गए चुनाव, विधानसभा के चुनाव में बेईमानी हुई है, उपचुनावों में भी हुई है, इन तमाम चीज़ों को समाजवादी लोग समझ चुके हैं, और उस जो इनके षड्यंत्र हैं उस षड्यंत्रों का भी हम लोग तोड़ निकाल लेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से बीमारी हुई है लेकिन उस बीमारी का तोड़ अब समाजवादियों ने निकाल लिया है, और उसके लिए सड़क पर संघर्ष होगा, और संघर्ष के साथ निकाय चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव, उन पर हम समाजवादी पार्टी ही सर्व समाज के लेकर के जीत हासिल करेगी। कैमरा पर्सन आशीष यादव के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ।